मैं उसकी भूमिका को अच्छी तरह से जानता हूँ। भीम आर्मी के साथ जो कुछ हुआ मैं उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक स्थिति थोड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब मैं भी आज यहाँ पर पहुंचा तो मुझे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और मैं चकित हुआ कि आज यहाँ पर उपस्थिति इतनी कम क्यों है। ये आप लोग भी सोचते होंगे कि भीम आर्मी के पहले यहाँ पर जो जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें इतनी भारी भीड़ रही है, परंतु आज ये उपस्थिति उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी नजर आती है। इसका एक मुख्य कारण है, मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ कि किसी जगह पर लोगों को इकट्ठा होने से कैसे रोकना है ये मैं जानता हूँ। आज हमारे जो भीम सैनिक हैं या हमारे दूसरे साथी हैं उनमें उनके जोश में किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु आज सहारनपुर की पुलिस ने, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुर, वहां की पुलिस ने जो हमारे कार्यकर्ता थे, भीम सैनिक थे या दूसरे लोग थे, उनको नहीं आने दिया, जिसके कारण आपको इतनी कम संख्या में लोग दिखाई दे रहे। इतना ही नहीं, एक बड़ी चिंता और शर्म की बात यह है कि जिस प्रकार से 2 अप्रैल की जो भारत बंद था उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो दलितों का दमन शुरू किया है, जो अत्याचार शुरू किया है, उसके कारण हमारे नौजवान सब घर छोड़ के भागे हुए हैं और वो 14 अप्रैल के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, और इसी डर के कारण वो लोग आज यहाँ संसद मार्ग पर भी नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पुलिस विभाग के लोग जो है वो लगे हुए हैं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए थोड़ी गैदरिंग देख के, थोड़ी भीड़ देख के हमें यह तो साथ नहीं होना है, तो चिंता नहीं करनी है। हम जितने हैं उतने ही बहुत है, इनसे निपटने के लिए हम उतने बहुत है। एक नारा इन दिनों में मुझे बहुत अच्छा मिला, वो नारा है, हम मरकर आती है, संघर्ष होके आती है। मैं वो नारा लगाऊंगा, आप उत्तर देंगे, संघर्ष, हम मरकर आती है, हम मरकर आती है, हम मरकर आती है। तो संघर्ष तो हमारा चलता रहेगा, चाहे वो बड़े स्तर पे चलेगा चाहे छोटे स्तर पे चलेगा। आज जो 2 अप्रैल को जो हुआ है उसको लेके उत्तर प्रदेश के अंदर कितना दलितों का दमन हो रहा है, मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 2 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में ये बंद हुआ, भारत बंद हुआ, मध्य प्रदेश में जितने जगह दलितों हमारे भाइयों ने जुलूस निकाला उनके ऊपर जो SC ST एक्ट विरोधी थे, दलित विरोधी थे, उन्होंने हमले किए, वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, उसके बावजूद भी हमला दलितों पर होता है, और जब पुलिस की गोली चलती है वो दलितों पर चलती है, वो उन पर नहीं चलती है। अभी तक जितने भी 11 हमारे साथी मरे हैं वो सारे के सारे दलित हैं। तो आप बताइए, पुलिस इतनी जगह गोली चलाती है और मरने वाले सारे के सारे दलित हैं, ये क्या दर्शाता है कि पुलिस को उनके लोग भी मारेंगे और पुलिस जो है वो भी मारेगी। आप राजस्थान में आइए, राजस्थान में जितनी जगह जुलूस निकला था सब शांतिपूर्ण था, वहां पर भी सभी जगह पर कहीं करनी सेना ने, कहीं किसी दूसरी सेना ने इनके ऊपर हमला किया और पुलिस की जब गोली चली वो दलितों पर ही चली। राजस्थान में जो भी साथी मरे हैं वो दलित मरे हैं। आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ का मैं आपको बताऊं, मेरठ में उस दिन का जो बंद था, जो जुलूस था, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था। वहां पर कंकड़ थे, खेड़ा थाने की पुलिस चौकी पर जब हमारा जुलूस पहुंचा तो वहां के एक दरोगा ने जानबूझकर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया, जिसके बाद अफरा तफरी मची और उसके अंदर दूसरे लोग भी थे, केवल दलित नहीं थे, उसके अंदर दूसरे गैर दलित लोग भी घुसे हुए थे। वहां पर जो गोली चली, एक लड़के को गोली लगी, पुलिस उसको उठा के गाजियाबाद ले आई और वहां पर वो मर गया। और पुलिस ने बाद में क्या दिखाया कि ये पुलिस की गोली से नहीं मरा, ये किसी दूसरे ने गोली चलाई है, पालापोर की गोली से मरा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके घर वालों को नहीं दी गई है। और मेरठ में 9,000 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और आज तक 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा किस प्रकार एक दलित विधायक को खुलेआम बेइज्जत किया गया, जबकि वो गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा था उसको पीछे से धक्के मारे गए। ये पूरे समाज को बेइज्जत करने की कोशिश थी।
और उसके बाद कंकटकेला थाने में नौजवानों को पकड़ के लाया गया और इस तरह से दोनों सिपाहियों ने हाथ में डंडे लेके खड़े होके उन नौजवानों को पीटा। वो कैसे गिर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और वो जा रहे थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा पुलिस ने और बहुत सारे नौजवानों को पकड़ा, उनको दूसरी जगह पर ले जाया गया, वहां पर बहुत पिटाई की गई, उनके हाथ में कट्टे पकड़ाए गए, फोटोग्राफ खींचे गए और उनसे कट्टों की बरामदगी, देसी पिस्तौल की बरामदगी दिखा के उनको बंद किया गया। तो मेरठ इस समय खाली है, वहां पर कोई भी नौजवान जो है वो अपने घर में नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे बहुत कम साथी यहाँ पहुंच पाए। आप मुजफ्फरनगर में आइए, मुजफ्फरनगर में वहां पर गुंडे बदमाशों ने घुस के जुलूस के अंदर तोड़फोड़ की, लूटा। इस बात को सरकार जानती है, पुलिस जानती है, पूरा मीडिया जानता है। वहां जब गोली चलती है उसे कौन मरता है? एक दलित नौजवान मरता है और उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज होता है। तो आपका जो मुजफ्फरनगर है वहां पर 7,000 दलितों के ऊपर केस दर्ज किए गए और अब तक 300 के करीब गिरफ्तारियां की जा चुकी है। और उसके बाद आप सहारनपुर आइए, सहारनपुर में भीम सैनिक जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस निकालते हैं और जिला अधिकारी को जाके मेमोरेंडम देते हैं चंद्रशेखर के रिहाई के लिए और SC ST एक्ट को जो रद्द किया गया है उसकी बहाली के लिए। वहां क्या होता है, वहां 900 भीम सैनिकों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। आप हापुड़ में आइए, हापुड़ में शांतिपूर्ण जुलूस रहा, सब कुछ रहा, वहां गड़बड़ी की गई, लाठीचार्ज किया गया और हजारों के ऊपर केस दर्ज किए गए। आप बुलंदशहर में आइए, बुलंदशहर में भी इसी प्रकार हजारों के ऊपर केस दर्ज किए गए। इसके अलावा आप इलाहाबाद चलिए, इलाहाबाद में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने 2 अप्रैल को समर्थन में जुलूस निकाला, वहां 27 छात्र नेता जो है उनके ऊपर नामजद मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश में दलित दमन अपनी चरम सीमा पर है, जो योगी सरकार है वो उत्पीड़न कर रही है, जिन लड़कों को पकड़ा जाता है उनकी पूरी तरह से पिटाई की जा रही है, उनके ऊपर हत्या करने का प्रयास और कट्टे लगा के उनको केसों के अंदर बंद किया जा रहा। तो ये आज कम संख्या का मुख्य कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलितों का बिल्कुल समाप्त करने में लगी हुई है, उनको तोड़ने में लगी हुई है। परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि इस सब के बावजूद भी इतने हमारे साथी आए हैं। अभी बहुत सारे साथी मुझे बताया गया वो आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसलिए ना हमारे जोश में कमी है, ना हमारे होश में कमी है, ना हमारे संघर्ष में कमी है। तो ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये तो उस लड़ाई का एक पड़ाव है। हमें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। हम SC ST एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर जिसको लगभग 1 साल होने को आया है, वो 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, अप्रैल चल रहा है, लगभग 1 साल होने को आया है और चंद्रशेखर को जो है बिना किसी कारण के उसको रास्ता लगा के जेल में रखा गया है और पीछे जो है उसने शायद 8 दिन जो है जेल के अंदर वो हड़ताल भी की है, परंतु सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब ये लड़ाई हमारी जो है केवल चंद्रशेखर की लड़ाई नहीं है, हमें SC ST एक्ट को बचाना है, आरक्षण के ऊपर जो हमले हो रहे वो करना है और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि जितने भी भाजपा शासित राज्य है उनमें सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न होता है, वहां सबसे ज्यादा उनके खिलाफ जो है के ये उत्पीड़न के मामले जो है वो घटित होते हैं। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर दलित दमन हो रहा है और जब से और उसकी सबसे पहली जो घटना थी वो आपकी 5 मई की शबीरपुर की थी, जिस दिन योगी मुख्यमंत्री बने थे उस गांव के अंदर जुलूस निकाला गया था, ठाकरे ने या जो भी लोग थे उन्होंने जुलूस निकाला, वहां नारे लगाए थे उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। ये नारे जो है जिस दिन शपथ ग्रहण किया था योगी ने उस दिन ये नारे लगे थे। उसके बाद वो अम्बेडकर की मूर्ति रविदास मंदिर के अंदर लगाना चाहते थे परंतु उन्हें नहीं लगाने दी गई, उनको कहा गया आप मूर्ति नीचे रखो, आप अम्बेडकर बाहर से दिखाई नहीं देने चाहिए, अम्बेडकर का हाथ बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। वहां के जो भाजपा के विधायक थे उन्होंने उसमें दखल दिया और मूर्ति नहीं लगने दी। और फिर 5 मई को जो महाराणा प्रताप जयंती पर जो जुलूस निकाला गया दलितों के शबीरपुर के दलितों के घर के सामने आके डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद,
अब बाकी इस प्रकार के आपत्तिजनक नारे लगाए गए। दलितों ने उसका विरोध किया कि आप ये गलत नारे क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो शुरुआत है दलितों के दमन की जो शुरुआत है वो योगी के आते ही शुरू हो गई थी। और इसका आप देखिए उन्नाव में एक लड़की जो है दलित लड़की वो बलात्कार करने के बाद जला दी गई थी। उसके बाद ये सेंगर वाला मामला जो है लड़की का वो सामने आया। बलिया में एक दलित औरत को पीट पीट के जो है वो मार दिया गया था। और इसी प्रकार के बांदा में जो एक दलित लड़की वो मार दी गई। तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार है वो बराबर जारी है। हमें उस अत्याचार से डरना नहीं है, हमें उसका जवाब देना है। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने कहा था सिद्धांत अहिंसा का होना चाहिए, परंतु अगर जरूरत है तो हिंसा जरूर होनी चाहिए। ये बाबा साहब ने हमको नारा दिया। मैं आपको कानूनी पोजीशन भी बताना चाहता हूँ। कानून आपको इस बात का अधिकार देता है कि अगर आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है, आत्मरक्षा का अधिकार इसको कहते हैं, तो आप उसकी जान ले सकते हैं। किसी औरत को यह कानूनी अधिकार है कि कोई उसके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो औरत उस बलात्कारी का जो प्रयास कर रहा है उसकी जान ले सकती है। तो आपको अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। अगर आपके ऊपर हमला होता है, हम जानते हैं हमें पुलिस बचाने वाली नहीं है, पुलिस तो मारने वाली है, इसलिए आपको आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पे हमला होता है आप जवाबी हमला करिए। यह मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूं। इसलिए हम ना डरेंगे, हम ना झुकेंगे, हम लड़ेंगे। और जो अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो SC ST एक्ट है, चाहे वो रक्षण है, उसको हम किसी भी कीमत पे नहीं हमने देंगे, नहीं उसके आगे हम झुकेंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे रोल है कि आप लोग अपने उसी जोश को बरकरार रखिए, अपने संघर्ष को बरकरार रखिए। और चंद्रशेखर की रिहाई के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और जब तक चंद्रशेखर को रिहा नहीं किया जाता वो तब तक फिर हम दूसरे ढंग का एक संघर्ष जो है उसको चालू करेंगे। तो जो पूरे देश के अंदर जो दलितों का दमन हो रहा है, हमें उसका मुकाबला हमें पुलिस के भरोसे नहीं रहना है। हम सड़क पर उतरेंगे और जो हमारे पे हमला करेगा ईंट का जवाब पत्थर में देंगे। ये हमें फैसला करना है। अंत में मैं फिर वही नारा लगाऊंगा, हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं।